हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयूरी और आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चाइनीज़ भेल। भेल बनाने के लिए यहाँ मैंने गर्म पानी लिया, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नूडल्स। नूडल्स को हमें 15 मिनट तक पकाना है हाई फ्लेम पे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम इसे निकाल देंगे। उसके बाद हम इसे तल लेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पे तलना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। जब ये ब्राउन हो जाएंगे हम उसे निकाल देंगे। यहाँ मैंने गर्म पैन में डाला है थोड़ा सा ऑयल। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हमें थोड़ा सा ब्राउन होने तक पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्ची और पत्ता गोभी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सेजवान सॉस, थोड़ा सा टमाटो केचप, थोड़ा सा विनेगर और एक चम्मच सोया सॉस। उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद यहाँ मैंने डाला है थोड़ा सा ग्रीन अनियन। इसे मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नूडल्स। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस बन गई है हमारी क्रिस्पी चाइनीज़ भेल, जिसे मैंने ग्रीन अनियन से गार्निश किया है। आप भी बनाइए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।